हाय एवरीवन, पीरियड मिस होने के क्या कारण होते हैं आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर तमन्ना विनायक अग्रवाल, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट रायपुर छत्तीसगढ़ से। जब आपका पीरियड मिस होता है तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो है प्रेगनेंसी, कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो यूजुअली आप घर पे प्रेगनेंसी किट से चेक करते हैं और 50% केसेस में वो नेगेटिव आता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट थिंग इज वेट एंड वॉच। एटलीस्ट 15-20 डेज के लिए आपको वेट करना चाहिए एंड देन टेस्ट अगेन। क्या होता है, कई बार जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको लेट कंसेप्शन भी हो सकता है, जिसके कारण जब आपने पहले चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया। 15-20 डेज बाद भी अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, देन मींस देयर इज सम अदर रीजन ऑफ मिसिंग पीरियड्स। अब वो कारण क्या होते हैं? सबसे पहला रीजन हमारा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। यूजुअली हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पीरियड्स रेगुलेट करते हैं। जब ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा पीरियड मिस हो जाता है। सेकेंड रीजन इज योर थायराइड हार्मोन। जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम हाइपोथायराइड बोलते हैं, तो भी आप अपना पीरियड मिस कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ना। हमारी बॉडी में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ज्यादा होता है, या आप कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका पीरियड मिस हो सकता है। फोर्थ रीजन इज एक्सेस स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, घर से रिलेटेड स्ट्रेस, या अन्य किसी कारण से आप बहुत एक्सेस परेशान हैं तो भी आपका पीरियड मिस हो सकता है। फिफ्थ रीजन इज एक्सेस वेट लॉस और एक्सेस वेट गेन। अगर किसी कारण से आपका कुछ कम समय में बहुत अधिक वेट गेन हो रहा है, या विगरस एक्सरसाइज करके बहुत अधिक वेट लॉस कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपके पीरियड मिस हो सकते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रीजन इज पेरीमेनोपॉजल टाइम। आप 40 के अराउंड हैं और आपके पीरियड अक्सर मिस हो रहे हैं, 2 महीने आते हैं फिर 3 महीने स्किप हो जाते हैं, दैट मीन्स योर पेरीमेनोपॉजल मीन्स यू आर अबाउट टू रीच मेनोपॉज, मतलब आपकी महावारी खत्म होने वाली है। तो उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, इट इज जस्ट वेट एंड वॉच टिल योर मेंसेस जस्ट गेट ओवर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन इज मेडिकेशंस। कई बार आप कुछ ऐसी दवाइयों में होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होती हैं, टीबी की दवाइयां होती हैं, जिसके कारण अक्सर आपके पीरियड्स मिस होने के चांसेस होते हैं। तो पीरियड मिस होने के बाद परेशान नहीं होना है, आपको अपने गायनेक के पास जाना है, वो आपका फुल चेकअप करेंगी, हार्मोनल टेस्ट कराएंगी, आपका हिस्ट्री लेंगी, जिससे पता चलेगा कि वाई आर यू मिसिंग पीरियड्स, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशन दी जाएगी सो एज टू गेट योर पीरियड्स एज वेल एज टू रेगुलेट योर साइकिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए सो एज टू गिव बेनिफिट्स टू एवरी।